डेटा सुरक्षा की उचित व्यवस्था हो। नागरिक पहचान पत्र की शुरुआत के साथ ही इसमें निहित नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर अनेक सवाल उठते रहे हैं। भला हो उच्चतम न्यायालय का, जिसने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करके नागरिकों को जानकारी की गोपनीयता भंग होने से बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। इन सबके होते हुए भी सरकार का दायित्व है कि वे निजता की रक्षा के ढांचे को इतना मजबूत बना दे कि कभी उसमें दरार आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। इस संदर्भ में अनेक बिंदुओं पर चर्चा करना अहम हो जाता है। अमेरिका ने जिस प्रकार से गूगल और फेसबुक के निर्माण और फैलाव में निजता की सुरक्षा के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए हैं, उससे अलग हटकर हमें कुछ कड़े प्रावधान रखने होंगे। यूरोपियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन JDPR भी हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता है, परंतु यह अनावश्यक रूप से प्रतिबंध लगाने वाला है। ये प्रतिबंध कुछ खास प्रभावी नहीं है। भारत को एक अलग नवाचार आधारित सेटअप तैयार करना होगा जो कठोर होने के साथ साथ प्रभावी भी हो। हमारे डिजाइन कुछ ऐसे हैं जो हमारी जनता हमारी जनसंख्या के एक बड़े वंचित भाग के साथ तारतम्य बैठा सकें। इस वर्ग के लोग बहुत अधिक जटिल डिजिटल सेटअप को अनुसरण नहीं कर पाएंगे। डिजिटल पहचान वाली योजनाओं के जरिए लोगों द्वारा किए गए आदान प्रदान के रिकॉर्ड को लंबे समय तक रखने से निजता की गोपनीयता भंग होने की संभावना अधिक रहती है। पहचान पत्र या आधार कार्ड से जुड़े अनेक डेटा ऐसे हैं जिनसे अलग अलग क्षेत्र में किसी नागरिक की गतिविधियां पर नज़र रखी जा सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि भागीदारी स्वच्छता हो या भागीदारी स्वैच्छिक हो। गोपनीयता की सुरक्षा के लिए आधारभूत सिद्धांतों के रूप में ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट जैसे व्यक्तिगत भागीदारी की प्रावधान की वकालत की जाती है। इसमें उपभोक्ता को नोटिस और उसकी सहमति लेने वाला कदम को और भी प्रभावशाली नहीं पाया गया। अक्सर होता है कि उपभोक्ता आई एग्री वाले विकल्प को बिना पढ़े ही क्लिक कर देते हैं। भारत में डेटा सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक सशक्त नियमन ढांचा होना चाहिए। यह ऐसा हो जो भले ही जटिल डिजिटल सेटअप वाला हो, जिसमें चाहे सहमति के लिए अनेक स्तर रखे जाएं, परंतु वह हमारे मूल अधिकारों के हर हाल में रक्षा करे। डेटा नियामकों को स्वायत्तता दी जाए, परंतु उसके लिए डेटा सुरक्षा के ढांचे में भागीदारी की अनिवार्यता हो। एल्गोरियम की स्पष्टता के अलावा उन्हें दो अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें स्वीकृति के अलावा अलग अलग डेटा प्रोसेसिंग कार्यक्रम में डेटा के पहुंच के अधिकार की भी जांच करनी चाहिए। केवल स्वीकृत अधिकृत कंप्यूटर से ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही डेटा तक पहुँच पाया जा सके। इसके लिए डेटा नियामक या नियंत्रक को अलग अलग लॉग तैयार करने होंगे। इस लॉग्स को कोई अनाधिकृत रूप से खोल न सके, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। डेटा के लिए नियमन के लिए तकनीक मौजूद है। अब तक डेटा सुरक्षा कानून और नियमन की क्षमता बढ़ाने की इच्छा का होना आवश्यक है।